अक्षय कुमार। जी हाँ दोस्तों, यानी कि खिलाड़ी भैया। आप खिलाड़ी भैया की पिक्चरें हमें ज्यादा दिन तक ना देखने के लिए मिले ऐसा कभी तो होता नहीं है, और इस बार भी ऐसा नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, राम सेतु को लेकर एक नई अपडेट निकल के सामने आ रही है। इसके टीजर के ऊपर एक अपडेट आ रही है, उसके बाद ट्रेलर के ऊपर भी बताऊंगा कब तक हमें देखने के लिए मिलने वाला है, देन फिल्म कब हमें देखने के लिए मिलने वाली है ऑन थिएटर। और यह जो राम सेतु, ये जो कॉन्सेप्ट है, यह फिर से हमें एक ना धार्मिक कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलने वाला है, यानी रिलीजियस के ऊपर टॉपिक होने वाला है। तो फिल्म को बायकॉट करने वाले भी काफी लोग आएंगे, बट उनको तो हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हम सिर्फ काम पे फोकस करते हैं और लोगों की मेहनत पे फोकस करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस राम सेतु पे ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छा काम किया गया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको इसका टीजर कब देखने के लिए मिलेगा, ट्रेलर कब देखने के लिए मिलेगा और रिलीज कब होती नजर आने वाली है, और किस तरह से अक्षय कुमार इसमें हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज लाइक करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं या फिर आप बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं इस फिल्म के लिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया जैसे राम सेतु एक ना रिलीजियस टॉपिक पे होने वाली है, जिसके कारण बॉलीवुड को हमेशा ट्रोल किया जाता है, हमेशा बायकॉट भी किया जाता है कि भैया हमें तुमसे तो रिलीजियस टॉपिक पे फिल्म बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बट दोस्तों, बॉलीवुड अपने आप को सुधारने में लगा है, जैसे उसने ब्रह्मास्त्र दी और अब राम सेतु। मुझे लगता है राम सेतु का कॉन्सेप्ट जो है काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, और हो सकता है कि कुछ फिल्मों के बाद जो लोगों की राय है बॉलीवुड के प्रति वह चेंज होती नजर आने वाली है। बाकी देखने लायक होगा राम सेतु में अब क्या टॉपिक छेड़ा जाता है, किस टॉपिक को मेन कॉन्सेप्ट की तरह प्रेजेंट किया जाता है और क्या हमें समझाया जाता है, क्या दिखाया जाता है। बट दोस्तों, अगर मैं बात करूं, अगर इंतजार की बात करूं, तो इसका लोग बहुत ज्यादा इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ना अक्षय कुमार जो है वो काफी ज्यादा ना एकदम देखे तो रॉ नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने बनावटी कुछ चीज धारण किया है, इनफैक्ट उनकी दाढ़ी, उनका जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा नजर आ रहा है और बहुत ही ज्यादा एकदम रियल नजर आ रहा है, जिसके कारण हमें फिल्म में भी बहुत ज्यादा रियलिटी नजर आने वाली है। बाकी देखने लायक होगा किस तरह से उनकी एक्टिंग इस फिल्म में होने वाली है, क्योंकि अगर एक्टिंग बेहतरीन हो गई और फिल्म की कहानी बहुत अच्छी हो गई, तब तो फिर इस फिल्म को कोई भी नहीं रोक सकता है हिट होने से। क्योंकि दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, यह फिल्म काफी कम बजट की फिल्म है, महज 85-90 करोड़ रुपीज की फिल्म की बजट है। फिल्म का बजट अभी बताया जा रहा है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, बट अप्रॉक्सिमेटली 85-95 करोड़ के आसपास की जो बजट है इसका बताया जा रहा है। जहां की अगर मैं बताऊं, इसको हिट कराने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत शायद अक्षय कुमार को ना करनी पड़े, बट अगर एक्टिंग और कहानी अच्छी हो गई तो हो सकता है यह 2022 की सुपर डुपर हिट फिल्म हो जाए, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अभी तो बहुत बेहतरीन नजर आ रहा है और टीजर देखने के बाद और ट्रेलर के बाद हमें काफी ज्यादा चीजें क्लियर होती नजर आने वाली है। बता दूं मैं अगर आपको, तो जो इसका टीजर कहा जा रहा है वह कहा जा रहा है 26 सितंबर को, अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, बट ऐसे लोग कह रहे हैं और कुछ खबरें निकल के बाहर आ रही हैं कि 26 सितंबर को हमें इसका टीजर देखने के लिए मिल जाएगा यूट्यूब पे। एंड अगर हम ट्रेलर के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सिमेटली 9 अक्टूबर या फिर 10 अक्टूबर को इस फिल्म का जो ट्रेलर है हमें देखने के लिए मिलने वाला है, और 24 अक्टूबर को यह फिल्म ऑन थिएटर रिलीज होने वाली है, यानी कि बड़े पर्दे पर हमें 24 अक्टूबर को फिर से अक्षय कुमार देखने के लिए मिलने वाले हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले पृथ्वीराज आई थी, देन उसके बाद अब 2-3 महीने का गैप लेकर अक्षय कुमार की एक और फिल्म आ रही है, बाकी एक और आई थी जो OTT पे आई थी। बट अगर हम सिनेमा के बारे में बात करें तो एक राम सेतु अब है 24 अक्टूबर को देखने के लिए मिलने वाली है, और यह फिल्म मैं तो देखने जरूर जाने वाला हूं। अब बताइए आप कमेंट में कि आप इस फिल्म के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है और क्या आप इस फिल्म को देखने जाने वाले हैं, क्योंकि अक्षय कुमार का एक लुक देखिए बहुत ही ज्यादा रियल नजर आ रहा है, मैं सच बताऊं तो। मुझे लग रहा है और मेरी एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इस फिल्म में अक्षय कुमार की एक्टिंग काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाली है, और कठपुतली में भी जो अभी रिसेंटली उनकी मूवी आई है OTT पे, उस पर भी काफी अच्छी एक्टिंग उनकी नजर आई है। तो देखने लायक होगा कि किस तरह से अक्षय कुमार ने इस फिल्म में काम किया है और किस तरह से हमें वह कहानी इस फिल्म की प्रेजेंट करते नजर आने वाले हैं। तो उम्मीदें बहुत हैं, अब काम ऐसा हुआ तो यह फिल्म जरूर सुपर डुपर हिट होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।